नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर महेश चंदेल, डायरेक्टर फाउंडर एंड सीईओ नेक्स्ट टेक सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। मैं अपने एम के इंजीनियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 12 वोल्ट पंप और 24 वोल्ट पंप दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों आपके लिए कब सफिशियंट हैं और कितने बिट पर काम करते हैं, कब आपको 12 वोल्ट लेना चाहिए और कब आपको 24 वोल्ट पंप लेना चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं हम 12 वोल्ट की। ये 12 वोल्ट का जो पंप है ये हमारा 60 फिट तक काम करेगा। इसकी जो साइज है 2.5 इंच का ये पंप है, आपके 3 इंची के बोर की साइज में भी ये आपका चला जाएगा। और ये जो पंप है, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर एसएस की बॉडी ज़रूर है इसकी, लेकिन ये इम्पीलर इसमें लगा हुआ है, स्क्रू टाइप का इम्पीलर लगा हुआ है। इसमें स्क्रू टाइप का इम्पीलर है, फैन टाइप का इम्पीलर नहीं है इसमें। दूसरी चीज़, ये कार्बन लगे हुए, इसमें BLDC पंप नहीं है। ये BLDC पंप में क्या होता है, उसमें कार्बन नहीं होते हैं, वो मैग्नेट पे चलता है, जैसे मैग्नेट होता है, लेकिन आपका ये चलेगा कार्बन के द्वारा। इसमें आर्मेचर लगा हुआ है, इसके अंदर आर्मेचर से टच होते हैं आपके कार्बन बुरुश, तो वो आपके चलेंगे तो घिसेंगे भी, तो आपको बार बार बदलना भी पड़ेगी, क्योंकि ये सस्ते पंप हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हम लॉन्ग टाइम के लिए इसको लेना, तो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। हाँ, अगर आपको 10-15 मिनट चलाना और आपके पास पैसे का बजट कम है तो आप इस पंप को लीजिए। विद कंट्रोल वाले पंप में क्या, आपको जो पंप मिलेगा वो BLDC मिलेगा और उसमें आपको आधा HP से लेके सारे मिलेंगे। अभी ये बात हम इसकी करना है तो इसी पर आप रहें। तो ये हमारी इसकी जो टेक्नोलॉजी उसकी बात हो गई, कितने फिट तक काम करेगा उसकी बात। अगर प्राइस की बात करें तो हमारे पास ये जो पंप मिलता है 6500 रुपये का मिलता है प्रेजेंट की कीमत, आगे अगर बढ़ेगी तो आपको ज़्यादा बताई जाएगी। और अगर आपको ये पंप चाहिए कैश ऑन डिलीवरी, तो कैश ऑन डिलीवरी भी हमारे द्वारा पूरे भारत में उपलब्ध है, लेकिन हम 10% मिनिमम डाउन पेमेंट आपसे जमा कराएंगे, बाकी आपको कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी में कुछ चार्जेज ज़्यादा होते हैं, 300, 400, 500 जो भी आपको लगेंगे वो हम ऐड कर देंगे 6500 प्लस। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको पूरे भारत में आप जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ पर आपको डिलीवरी कर दिया जाएगा। पाइप इसमें 1.25 इंच का लगेगा। पैनल 12 वोल्ट में, ध्यान से सुन लीजिए, 12 वोल्ट में पैनल आपके दो लगेंगे, लेकिन 165 वाट के दो पैनल लगेंगे पैरेलल में करके। पैरेलल करके बोले तो दोनों पैनलों के आपको प्लस प्लस जोड़ना और माइनस माइनस जोड़ना, समझो तो लगाना आपको 300 वाट ही है इसमें। ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन भी जैसे बिक रहा है जी, तो ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं पर वो लगाते हैं इसमें, इसमें लिखा होता है जैसे 200 वाट, तो 200 वाट का कोई पंप होता ही नहीं है, 200 वाट से कभी नहीं चलेगा इतना बड़ा पंप। 165 वाट के दो पैनल पैरेलल कनेक्शन, प्लस प्लस और माइनस माइनस जोड़ के आप इसको दीजिए। 60 फिट के बोर तक आप इसका यूज कीजिए। 1 इंच का पानी लीजिए। डिलीवरी इसकी जो आपको मिलेगी 800 से 1200 लीटर मिलेगी। क्यों मिलेगी, आप ज़्यादा नीचे डालोगे तो पानी कम मिलेगा, थोड़ा ऊपर रखोगे तो अलग मिलेगा। डिस्टेंस के ऊपर खेल होता है, ऐसा नहीं है जितना बोला उतना ही पानी, ऐसा नहीं है। तो ये हो गई हमारे 12 वोल्ट की। अब हम आ जाते हैं 24 वोल्ट पर। अब 24 वोल्ट क्या है, 12 वोल्ट का जैसे काम कर रहा था आपका 60 फुट तक, तो 24 वोल्ट का हमारा ये जो पंप करेगा काम 120 फुट तक। साइज सेम है, 2.5 इंची 3 इंची के बोर में भी काम करेगा। पैनल लेकिन इसमें आपके अलग लगेंगे, ये भी कार्बन टाइप का ही पंप है, इसमें कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, BLDC पंप ये दोनों में से कोई सा नहीं है। BLDC पंप की प्राइस होती है ज़्यादा, तो जिनको सस्ते में चाहिए 15-20 मिनट आधे घंटे चलाना उनके लिए काफ़ी है। दोनों पंप आपके रिपेयर हो जाएंगे, रिपेयर की नो टेंशन, पूरा स्पेयर पार्ट्स इसके मिल जाएंगे। गारंटी इसकी हमारे तरफ से कुछ नहीं है। क्यों नहीं गारंटी, गारंटी आपके पास पहुंच गया चल गया तो कोई गारंटी नहीं, अगर नहीं चले तो रिटर्न करके हम दूसरा दे देंगे, क्योंकि ये है इम्पोर्टेड आइटम। ऐसा नहीं कि यहाँ बन रहा, ये यहाँ कहीं नहीं बन रहा, ये इम्पोर्टेड आइटम है, पूरा इम्पोर्ट करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। काफ़ी जगह यूज हो रहा है, काफ़ी जगह चल भी रहा है, ऐसा नहीं कि गया साल भर में ख़राब हो जाता, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप जितना ज़्यादा चलाओगे कार्बन उतने जल्दी ख़त्म होंगे। 15-20 मिनट चलाओ आप, खूब चलेगा आपका, 7-8 महीना 10 महीना जितना आपका चल जाए, तो वो कन्फर्म नहीं है। अब इसमें भी आपका जो डिलीवरी है 800 से 1200 लीटर आपको पर घंटे पानी मिलेगा। इम्पीलर इसमें सेम लगा हुआ आपका, स्क्रू टाइप का इम्पीलर रहेगा, लेकिन इसमें जो पैनल लगेंगे आपके, पैनल इसमें 335 वाट का एक पैनल लगेगा, या फिर आपके पास 165 वाट के दो पैनल हो उसको सीरीज कनेक्शन कीजिए। इसमें पैरेलल कनेक्शन होते हैं, इसमें सीरीज कनेक्शन होगा तब चलेगा आपका। इसमें वाट 250 लिखा, लेकिन 250 वाट पर कभी कोई पंप नहीं चलेगा। 300 वाट पैनल लगाओ आप, या 335 वाट लगाओ एक तो चलेगा, 165 वाट के दो लगाओ तो चलेगा आपका। परचेस करने के लिए मैंने प्रोसेस बता दिया, कंपनी का एड्रेस आपको डिटेल में लिखा हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी पंप और सोलर सिस्टम से रिलेटेड
हम आपको जो जानकारी देते हैं प्रैक्टिकल जानकारी देते हैं, ऐसा नहीं है कुछ ही बता दिया सुन लिया उसको, नहीं बिल्कुल जो जानकारी दी है प्रैक्टिकल जानकारी दी है। अगर आपको ये पंप परचेस करना, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, वीडियो ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद।